हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? भाई हो आप बड़े होंगे क्योंकि हमारी हालत ख़राब है। रात को भाई हमारे आर्मी कैंप पे इसमें रुके थे हम, अपनी डेस्टिनेशन से करीबन 200 किलोमीटर दूर है। बढ़िया हमारी हालत हो चुकी है इस टाइम, ठंड इतनी ज़्यादा है ना, हवा चल रही है देखो। और ये अंडा भी ढापा है, खाना वाना खाया था भाई रात को। जो हमारे साथ एक छोटी गुटिया थी, आपने मेरे ब्लॉग में देखा, उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब भी हो गई थी, तो उसको जो हॉस्पिटल में भी ले गए। और ये भाई मैंने देखो कपूर ले रखा है, तो मैं इसे सुन बच्चों की, और बहुत लड़कियों की ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है, वोमिटिंग, चक्कर आना, ऑक्सीजन कम होना, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही है भाई। और तो क्या ही बोले भाई, पता नहीं यहाँ से कब चलेंगे। अभी तो जिसकी हालत ख़राब है उस सबको मैं भी आवने लग गया, जिसकी हालत ख़राब है उसे पहले मेडिकल चेकअप के लिए जाएंगे, आर्मी चेकअप पॉइंट को जैसे करके चारों तरफ खतरनाक पहाड़ी पार्ट और चिल्ड बर्फ जैसी हवाएं। उधर से दिखाता हूँ आपको वॉशरूम है, नहीं जाने तो इन्हें जाने, फिर ये गाली बकेंगे, नहीं तो आराम करो अंदर जाओ ऐसा बोलते। और ये पालतू बिल्ली है भाई, यहाँ दो तीन सांसें फूल रही है भाई। आओ दिखाता हूँ तुम्हें भाई, हमारा बार मत दिख। मैंने कहा था ना कहा भड़क कर देंगे ऐसे ही। इधर वॉशरूम है, एक ही टॉयलेट है, देखेगा फिर भोकेगा कुत्ते सारा। अरे पीछे से नदी बह रही है भाई। चलो भाई मैं भी चलता हूँ, ठंडा लग रही है, जम जाऊँगा फालतू में। और बच्चों की हालत बहुत हो गई, डेड हो चुकी है, पता चले मेरे भी मोए मोए हो जाए। या ब्रो ले भाई आ जा, सब बढ़िया मजा। ठंड में कुत्ता जम गया हमारा, चल रहे भाई हम भी अंदर ही। तो भाई जैसा कि आपने देखा ये हमारा रूम था, फाइनली हमने अपने झोले झाले ठा लिए। ये दीदी थी जो रात को मरने वाली थी, 7-8 बार जिंदा हुई जो मर के। बाकी भाई हमारी शक्ल ऐसी है, हम नहाए भाई तो नहीं, कल ही नहाए थे मनाली में, चारों तरफ इतने पहाड़, अरे पहाड़ से ज़्यादा वही बर्फ़ देख, वही बर्फ गिरी हुई है उधर पहाड़ों पर। देख वो रही पहाड़ों पर, देख कल तो नहीं थी यार बर्फ, तो अभी नहीं दिख रही, दिख तो गई। हाँ तो फिर सस्ती बर्फ नहीं है तो भाई ये सीन है कुछ यहाँ का। अभी बस ये हमारी वैने लग गई है, कह रहे हैं 100-150 किलोमीटर आज कंप्लीट करेंगे, फिर अगली जगह पे रुकेंगे, क्योंकि अंधेरे में अलाउड नहीं है यूज़ चलाना भाई गाड़ी वाड़ी। तो कह रहे हैं 100 किलोमीटर कंप्लीट करेंगे, उसके बाद रुक जाएंगे, फिर स्टॉप होएगा, बाकी देखते भाई क्या रहेगा यहाँ का। तो गाइस रात के बजे हुए हैं पता नहीं कितने, अभी बता देता हूँ 10:30। यहाँ पे हमने खाना वाना खाया, जिसको खाना खाना था हमने तो सोप पिया, ये चुड़ैल, सबकी तबीयत डाउन है भाई। अपनी शक्ल दिखाऊँ तुम्हें, मरा पड़ा हूँ भाई मैं भी, बस पहुँच जाए भाई भाई। एक तो भाई स्टोरी स्टोरी पे स्टोरी बनी हुई, यहाँ जिंदगी है ना कुत्ते जैसी हो रखी है। भाई रात में स्टे यहीं पे है क्या है फिर? नहीं स्टे नहीं है भाई, यहाँ सीधा चलेगी गाड़ी, एक दो घंटा सो जाओ जब तक खाना वाना हो रहा है। खाना तो खा लिया, खा लिया तुमने हैं और क्या, तो सो जाओ जो खाते हैं हाथ तो हटा मेरे भाई, तो उधर आओ फिर। इनके अलग बवासीर चल रही है भाई, जो हुआ देखी जाएगी अब तो भाई, अल्लाह के नाम भरोसे बात है। ये पापा की परी परी बनी हंडा है, चल भाग जा। तो गाइस हम फाइनली आ गए थे भाई यहाँ स्टेडियम में। हम सुबह 2 तारीख को मॉर्निंग में 8-9 बजे पहुँचे थे, और आते ही मुँह धो के स्टेडियम आ गए थे। हमें रेस्ट भी नहीं मिल पाया था क्योंकि फाइटें चालू हो गई थी। तो ये कुछ ऐसा स्टेडियम था। तो गाइस जैसे कि आपने मॉर्निंग में देखा हम स्टेडियम में आ गए थे भाई, मैं फाइटों के चक्कर में ज़्यादा कुछ बना नहीं पाया वीडियो वगैरह, और लोग इतना ज़्यादा हो पाया। लक्की भाई की एक फ़ाइट हो चुकी है, एक में जीत चुका है, युवराज भाई एक में जीत चुका है, एंड बहन पहली में ही हार गई क्योंकि उसकी सांस ज़्यादा फूल गई थी, तो मना कर दी थी फाइट में बीच में भाई, ऑक्सीजन की दिक्कत हो गई थी। बाकी बहुतों की चल रही है, आती जा रही है, जाती जा रही है फाइटें,
का माहौल का कुछ भरोसा नहीं है, मेरी फाइट कब होगी मुझे लग नहीं रहा मेरी होगी, क्योंकि इन्हीं का ही नहीं भरोसा मुझे दूसरी फाइट होगा, तो शायद मेरी तो कल ही होगी, बाकी देखते भाई जो भी होगा शायद। हेलो गाइस, तो ये हाल आज हमारा ले का दूसरा दिन, शायद आज मेरी फाइट होगी और इन दोनों की भी। यहाँ पे हम ठहरे हुए भाई, ये हमारा रूम है, कुछ ऐसा हम वहाँ सोए थे, कुछ बच्चे वहाँ कुछ बच्चे वहाँ, बाकी हालत भाई बहुत ज़्यादा बुरी है, पेट में दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है, सांस आ नहीं रही ढंग से, बस ये देखते हैं भाई कैसे क्या रहेंगे। वो लोग तो मैं थोड़ा बहुत ही करूँगा भाई, क्योंकि ऑक्सीजन की बहुत दिक्कत रहती है तो वो लग जाता ज़्यादा। गाइस फाइनली आज का सिनेरियो ख़त्म, मेरी जैसे सीन माय लक की भाई, अब आना हमें कल, कुछ मेडल सेरेमनी हो गई है, कुछ कल होगी, पता चलेगा लक्की भाई क्या मेडल आया है। हाँ मेरा तो कन्फर्म, मेरा तो है नहीं भाई, देखो लक्की भाई के थोड़े से चांस है कि आ जाए, भगवान करे आ ही जाए। बस गाइस आज के लिए इतना ही था, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। गुड बाय गाइस।